कोरोना से रोज बरोज हलाकतें बढ़ने लगी। लाहौर में मजीद 30 अफराद मूजी वायरस से इंतकाल कर गए। लाहौर में रिकॉर्ड 1,708 नए केस रिपोर्ट। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 64 अमवात, 2,789 नए मरीज सामने आ गए। एडिशनल सेशन जज के रीडर एजाज अहमद कोरोना से जान बहक। अदाकार असद मलिक भी कोरोना का शिकार हो गए, घर में करंटीना कर दिया। वायरस के हमले तेज, लोगों की गैर संजीदगी बरकरार। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतजामिया का क्रैकडाउन। बगैर मास्क घूमने पर 407 अफराद के खिलाफ मुकदमा। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 438 मुकदमा दर्ज। कोरोना एसओपीज की मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका कंट्रोल रूम भी कायम। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। CCPO SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने 34 दुकानों, स्टोर्स और मैरिज हॉल्स को सील कर दिया। 78,000 रुपए जुर्माना। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। लॉकडाउन से आरजी रिलीफ मिलता है, लोगों की जिंदगियां बचाना अव्वलीन तरजीह है। शहर या मुल्क बंद करके जिंदगी नहीं गुजार सकते। कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं, लोगों का रुझान कम है। वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना होगी। घरों से बाहर निकलें तो मास्क लाजमी पहने। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 1.50 रुपए फी लीटर की कमी। पेट्रोल 110.40 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 3 रुपए कमी, 113.80 रुपए फी लीटर मुकर्रर। LPG की कीमत में 14 रुपए कमी, 146 रुपए फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन भी जारी। रमजान से कबल चीनी नायाब, शहर में किल्लत बरकरार। 11वें रोज भी बाबर सेंटर के ताले ना खुले। शुगर डीलर्स एसोसिएशन की गैर एलानिया हड़ताल जारी। अकबरी मंडी में परचून और करियाना दुकानदार चीनी के हसूल के लिए खार। लाहौर में रोजाना 24,000 चीनी के थैलों की खपत, लेकिन इंतजामिया 10 रोज में सिर्फ 9200 थैले सप्लाई कर सकी। शालम मार्केट में 3 अफराद का कत्ल, 6 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने तमाम मुलजिमान का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। मकतूल आतिफ कुरैशी की नमाज जनाजा बाबा शाह जमाल दरबार में अदा कर दी गई। ताजिरों की कसीर तादाद में शिरकत। लवाहिकीन गम से निढाल। बुरसा और ताजिरों का शदीद एहतजाज। आला हुकाम से इंसाफ दिलाने की अपील कर दी। मारूफ माहिर अमराज कल डॉक्टर शहरियार के बेटे की नमाज जनाजा जनाब जामिया शर्फिया में अदा कर दी गई। डॉक्टर मुबीन शेख की नमाज जनाजा मोहतमम जामिया शर्फिया मौलाना फजलुर रहीम ने पढ़ाई। डॉक्टर शहरियार CEO PIC डॉक्टर साकिब शफी, साबिक प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर गयासुद्दीन नबी तैयब, सुहेल अहमद अजीज़ी की शिरकत। जज एपलेट कोर्ट हारून यूसफ, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस शमीम खान, फरीद अहमद पराचा, जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान रमदे, सुहेल भट्ट, डॉक्टर नदीम हयात मलिक और फयाज रांझा समेत मुख्तलिफ मकबाए फिक्र से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। डॉक्टर मुबीन शेख 19 मार्च को अमेरिका में हादसे में जान बहक हुए थे। मरहूम बतौर कार्डियोलॉजिस्ट फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे। जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की वालिदा की नमाज जनाजा हुंजा ब्लॉक में अदा। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा समेत अजीज व अकारिब और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। मरहूमा की तदफीन क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। एहतसाब अदालत का 15 अप्रैल को नैब के गवाहों को पेश होने का हुक्म। आशाना रेफरेंस केस में अदालत का बैंकों का असल रिकॉर्ड आइंदा समाज पर गवाहों समेत पेश करने का हुक्म।
समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की दुकानों की नीलामी से मुतल्लिक केस, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुलमीन मेंगल हाईकोर्ट में पेश। दुकानों पर काबिज अफराद से किराया वसूल नहीं किया जा रहा, दरख्वास्त गुजार का मौके। अदालत से दुकानों की नीलामी करवाने की इस्तेदा। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन, 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम में 16,35,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। इंसदादे पोलियो मुहिम का हदफ मुकम्मल होने पर अफसरान की ब्रीफिंग।